अब आपको भी हेल्थ केयर एंड पैरामेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए भिवंडी शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। द राइट वे इंस्टीट्यूट लाया है हेल्थ केयर एंड पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे असिस्टेंट नर्सिंग यानी GDA, GNM, ANM, MLT, DMLT, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियंस, रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस, OT टेक्नीशियंस, डायलिसिस टेक्नीशियंस, गायनेकोलॉजिस्ट असिस्टेंट जैसे 50 से ज्यादा कोर्सेज। अगर आप भी एक सक्सेसफुल सर्टिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं और भिवंडी के टॉप हॉस्पिटल्स के साथ काम करना चाहते हैं तो आज ही हमारे करियर काउंसलर से बात करें। एक महीने पहले चांदीवली में एक 14 साल के युवक ने कार ड्राइव की और संतुलन खोने पर एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। इस मामले में तहकीकात के एक महीने बाद पुलिस ने युवक के पिता पर FIR दर्ज की क्योंकि उनके नाबालिग बच्चे ने कार चलाई और फिर एक बुजुर्ग का एक्सीडेंट भी कर दिया। भिवंडी में जारी मेट्रो प्रोजेक्ट 5 के काम का आज ईस्ट MLA रईस शेख द्वारा दौरा किया गया, जहां भिवंडी में की गई मेट्रो प्लानिंग का अच्छे से जायजा लिया गया और सभी पॉइंट्स को समझा गया। शहर में तरक्की को तेज करने के लिए रईस शेख द्वारा मेट्रो प्रोजेक्ट के काम का दौरा किया गया था। बैंड्रा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 4 दिन पहले एक 23 साल युवक ने महिला का फोन छीन लिया और फरार होने की कोशिश की, लेकिन लोगों को पीछा करते देख बचने के लिए युवक ने माहिम खाड़ी में छलांग लगा दी और लापता हो गया। 4 दिनों से खाड़ी में युवक को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई। खार पुलिस स्टेशन की हद में कई दिनों से ड्रग की तस्करी की खबरें क्राइम ब्रांच तक पहुंच रही थी, जिसकी तहकीकात करते हुए MD ड्रग फैक्ट्री पर छापा मारा गया और करोड़ों रुपए का माल जब्त किया गया। इस छापेमारी में क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जाएगी। दिल्ली के शांतिनगर इलाके से एक 12 साल की बच्ची कुछ दिनों पहले किडनैप कर ली गई थी, जिसकी शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और बच्ची को महापौली स्थित एक घर से बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि बच्ची को बेचने के लिए आरोपियों ने उसे किडनैप किया था, लेकिन मौके पर पुलिस पहुंच गई और फिर बच्ची को रेस्क्यू किया गया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। भिवंडी में एक नाबालिग युवती के साथ गैंग रेप का मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के मुताबिक 16 साल की युवती को उसके दोस्त ने खाली घर में बुलाकर उसका रेप किया और फिर आरोपी के मजीद 6 दोस्तों ने युवती के साथ गैंग रेप को अंजाम दिया, साथ ही किसी को ना बताने के लिए जान की धमकी दी। भिवंडी तालुका पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी के आरोपियों की तलाश जारी है। भिवंडी में एक और स्नैचिंग का मामला सामने आया है और बताया गया कि गरबा खेलकर कुछ महिलाएं लौट रही थी और तभी बाइक पर सवार 2 स्नैचर्स ने महिला के गले से मंगलसूत्र खींच लिया और फरार हो गए। सारा मामला पास में लगे CCTV में कैद हो गया है और ये फुटेज वायरल कर सभी लोगों को ऐसे स्नैचर्स से सावधान किया जा रहा है। भिवंडी में BSNL DP से सर्किट चोरी कर लिया गया है, जिसकी वजह से मंडे को लोकल टेलीफोन सर्विस पर असर आया। DP के पास पार्क की गई कार्स का फायदा उठाते हुए चोर ने कटर से DP खोला और अंदर मौजूद सर्किट चोरी कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भिवंडी में चोरों की गैंग के साथ अब स्नैचर्स भी दोबारा सतर्क होते नजर आ रहे हैं। मानसरोवर इलाके में आज एक महिला की सोने की चैन खींच ली गई और दिन दहाड़े इस जुर्म को अंजाम दिया गया, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये स्नैचर्स पुलिस प्रशासन से बेखौफ हैं। भिवंडी में देखते ही देखते ट्रैफिक का मसला गंभीर हो चुका है, जिससे शहर का विकास भी नहीं हो पा रहा है। इतने सालों से अब तक शहरियों को ना ही अच्छी सड़कें बनाकर दी गई हैं और ना ही अब ट्रैफिक के मसले पर गौर किया जा रहा है। दिन ब दिन हालात खराब होता देख अब भिवंडी के MLAs पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि उन्होंने इस मसले को अब तक सॉल्व क्यों नहीं किया। आज की हमारी ये टॉप न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं, साथ ही अपनी राय भी दें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।